लालगंज और वैशाली में बीते 12 महीने के अंदर 3 अधिकारियों पर नकेल कसा जाना भ्रष्टाचारियों में खौफ पैदा कर रहा है। ज्ञात हो कि तकरीबन 11 महीने पूर्व लालगंज थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष सीबी शुक्ला पर आईओयू ने छापेमारी की थी, जिसमें उनके सरकारी आवास से लेकर कई ठिकानों को आईओयू की टीम ने सर्च किया था। वहीं इस छापेमारी के ठीक 3-4 महीने बाद वैशाली के तत्कालीन थानाध्यक्ष संजय कुमार पर भी कार्रवाई हुई, जिसमें संजय कुमार के कई ठिकानों को खंगाला गया। इसके 2 महीने बाद औरंगाबाद जिले में पदस्थापित तत्कालीन सीओ बसंत कुमार राय पर आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई शुरू हुई और उनके पैतृक गांव लालगंज स्थित यूसुफपुर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। और अब वैशाली के जतकौली धर्मपुर गाँव में शिक्षा विभाग के उप निर्देशक के घर आईओयू ने रेड की। लगातार हो रही इस कार्यवाही से भ्रष्ट अधिकारी खौफजदा हैं। घर में ही अपना काम कर रहे हैं, ये भी कमा रहे हैं, 5 लाख रुपया इनकम टैक्स हम लोग दे रहे हैं, मेरा बेटा कमा रहा है, ये कमा रहा है, मेरे ऊपर इस तरह का मतलब, इसका क्या मतलब? एक इंच जमीन मेरा नहीं है यहाँ, मेरे नाम से, फादर इन लॉ के नाम से, 56-57 से है इनकी शादी। अब बताइए जरा, तो आखिर गैजेटेड ऑफिसर होना गुना है क्या? चलिए कोई नहीं, पता चल जाएगा आप लोगों को सच्चाई। लगातार 13 घंटे करीब छापामारी हुई, क्या कुछ मिला और क्या कारण था, कुछ पता चला है क्या? कारण है कि व्यक्तिगत ये दुश्मनी का कारण है। इसके पूर्व आपको मालूम होगा कि जब यहाँ पर बाउंड्री वॉल निर्माण हो रहा था तो गोली भी चलाया गया था, समझ गए ना? ये हमारे परिवार और यहाँ पर जो लोग हैं उनकी इनके इन्वॉल्वमेंट है और कोई भी आपत्तिजनक कोई चीज़ नहीं मिला और ये सब चीज न्यायालय में प्रमाणित हो जाएगा। सीजर उनकी एक प्रक्रिया है प्रशासन का, जब भी कभी किसी पर आरोप लगता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन होता है। आरोप लगना गुनाह प्रमाणित नहीं करता है, समझ रहे हैं ना? तो इसमें है, चूंकि प्रक्रिया है, इसमें फोटो स्टेट उनको चाहिए, उनको एक एक चीज़ गिनना है, ये ग्रामीण क्षेत्र है, मशीन की कमी, मशीन मंगाया गया फोटो स्टेट का, फोटो स्टेट मशीन मंगाते मंगाते शाम हो गया, 4 बज गया फोटो स्टेट का, उसके बाद फोटो स्टेट होने लगा। अब अगर किसी दस्तावेज को आप फोटो स्टेट करते हैं उस पर सबकी गवाह का दस्तखत होता है, इन प्रक्रियाओं में केवल समय लगा, अदरवाइज ये इसमें समय लगने का कोई कारण नहीं है। सुने में आया कि आपके कोई करीबी आपके रिश्तेदार कोई मंत्री है, उनसे भी कुछ माने इससे जुड़ा हुआ मामला है क्या? कोई ऐसा मामला नहीं है, ऐसा क्या बना है? एक करीबी माने इसमें होता है? नहीं नहीं, कोई मंत्री अगर होगा तो अपराध में उसमें माने क्या होगा मामला? टारगेट हो सकता है कि किया जा सकता है किसी को, लेकिन जब हम उस चीज को जान ही नहीं रहे हैं कि मेरे विरुद्ध कौन सा आरोप लगा है, अब इसकी प्रक्रिया मैं न्यायालय में इसकी प्रक्रिया को फेस करूंगी अपने अधिवक्ता के माध्यम से। इसके पूर्व हम कैसे आपको इस पर कर दें कि हाँ किसी संबंधी का इसमें मामला है, किसी का कोई मामला है? जब तक तथ्य नहीं जानेंगे तो कोई एक पढ़ा लिखा व्यक्ति थोड़ी कुछ उस पर मान लीजिए स्टेटमेंट दे देगा। तथ्य की इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ये मेरा पैतृक संपत्ति है, मेरे पिता का है, इसमें जिस व्यक्ति को आरोपी बना के आवेदन दिया गया है उनका यहाँ कोई भी नहीं है, ये उनकी ससुराल है और ये सारी प्रॉपर्टी यहाँ उनके ससुर का प्रॉपर्टी है। भूमि विवाद का मामला है, भूमि विवाद को एक किसी को झुकाने के लिए समाज में विभिन्न तरह का हथकंडा अपनाया जाता है, ये आपराधिक माने आरोप लगाने का एक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को प्रमाणित होगा बहुत जल्दी। क्या नाम है? गिरफ्तारी नहीं होती है। 12 घंटे तक छापेमारी चली है, क्या क्या कुछ इसमें 12 घंटे तक छापेमारी चलने का क्या कुछ? संपत्ति संबंधी दस्तावेज है, बैंक का अकाउंट है, एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, कुछ नगद रुपये की। सर, इतना लंबा छापेमारी चलने का कुछ विशेष कारण है क्या? नहीं नहीं, तो हम लोग सारे पेपर को जांच करते हैं, जो साक्ष्य के नियमानुकूल होता है जब उसकी व्यक्ति सूची बनाई जाती है। अपने साथ कुछ ले के जा रहे हैं क्या कागज? जब्त किए हुए प्रदर्श। कार्रवाई भी कुछ होगी सर? 12 घंटा चला सर छापेमारी में, क्या कुछ? हाँ बेटा, महत्वपूर्ण दस्तावेज है, अचल संपत्ति का पासपोर्ट पासपोर्ट है। ठीक है, बाद में बात करते हैं। सर, कैश वगैरह भी बरामद हुआ है? हाँ, कुछ नगद राशि हुई है बरामद।
सर किनके नेतृत्व में ये छापेमारी की गई है और कितने सदस्य की टीम है? 9 सदस्यीय टीम थी।